दोस्तों, मैं अनिल सैनी और स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। और मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि आज हम फ़र्श को चेक करेंगे कि हमारा फ़र्श जो है कहां पर अप होता है, कहां पर डाउन होता है, तो उसको लेवल करके कैसे चेक किया जाए कि कहां पर फ़र्श जो हमारा डाउन में है और कहां पर अप है। तो क्योंकि हमें इसकी इसलिए ज़रूरत पड़ती है, जब भी हम फ़र्श करेंगे तो वहाँ पर मटेरियल ज़्यादा यूज़ होगा जहाँ पर डाउन एरिया होगा, और जहाँ पर वैसे भी हमारा जहाँ अप होगा तो वहाँ पर मटेरियल कम तो लगेगा, लेकिन दूसरी जगह के कंपेयर में वहाँ पर हमें दूसरी जगह पर ज़्यादा मटेरियल का यूज़ करना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, फ़र्श की लेवलिंग को पहले ही चेक कर लेते हैं। और फ़र्श की लेवलिंग इसलिए भी चेक करते हैं क्योंकि अगर हम जब यहाँ इस फ़र्श के ऊपर ब्रिक वर्क दोबारा से करेंगे दूसरी मंजिल के लिए, तो वहाँ पर क्या होगा, जो हमारी वॉल होंगी वो अप और डाउन चले जाएंगे, जिससे क्या होगा, हमारे लेंटर जब हम डालेंगे स्लैब कास्ट करेंगे तो वो स्लैब कास्ट करने के टाइम पे जो स्लैब होगी वो भी ऐसे ही अप और डाउन की पोजीशन में आ जाएगी। और जब अप डाउन की पोजीशन में आएगी तो स्लैब नीचे से क्या होगी, हमें अप एंड डाउन कंडीशन में दिखाई देगी, जिससे क्या होगा, वो स्लैब हमें अपीरेंस में अच्छी नहीं दिखेगी, या हम उसमें अभी जैसे कि प्लाईवुड का यूज़ करते हैं तो प्लाईवुड क्या होती है, अप एंड डाउन हो जाती है, हमें उसमें क्या करना होता है, फिर प्लास्टर करना होता है, और प्लास्टर करने में हमारा जो है खर्चा बढ़ जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि लेवलिंग पहले से अगर कर ली जाए तो क्या होगा, हमारा प्लास्टर करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जब हम प्लाईवुड का यूज़ करेंगे तो सरफेस जो आता है, हमारा अपीरेंस जो होता है, वो बिल्कुल एकदम स्मूथ होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, लेवलिंग पहले ही कर लेते हैं हमारा कोई भी ब्रिक वर्क है उसको स्टार्ट करने से पहले। ब्रिक वर्क जो है दोस्तों, जब भी हम फाउंडेशन में भी करते हैं तो वहाँ पर भी हम लेवलिंग करके ये चेक कर लेते हैं कि लेवल हमारे जो फाउंडेशन हमने खुदाई की है नींव, वो लेवल में है कि नहीं। अगर वो लेवल में नहीं होगी तो हमारी फाउंडेशन नीचे से ही जो है स्लोपी टाइप में ब्रिक वर्क स्टार्ट होता है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं फ़र्श की लेवलिंग को कैसे चेक किया जाए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सेम वही प्रोसीजर है जो आपको मैंने अपनी फ़र्स्ट वीडियो में बताया था कि एक लेवल पाइप को लेते हैं, उस लेवल पाइप में पहले पानी को भर लेते हैं, और पानी को भरने के बाद हम क्या करते हैं, हमें इसके लिए सबसे पहले क्या एक इंच टेप की ज़रूरत पड़ती है, और कुछ ऐसे रेफरेंस पॉइंट को हम ले लेते हैं। जैसे कि मैंने इस फर्श पर, मुझे इस जगह पर, या आप ब्रिक देख रहे होंगे, मैंने 5 ब्रिक को रखा हुआ है, ये एक मैंने रेफरेंस पॉइंट बनाया यहाँ पर, मुझे इसी से पता चलेगा और इसी जगह का पता चलेगा कि लेवल जो है फ़र्श का लेवल कितना डाउन है कितना अप है। और मैं किसके रेफरेंस में इसको चेक करूँगा, मैं दूसरा लेवल मैंने यहाँ पर रखा है, दूसरा रेफरेंस पॉइंट जो है मैंने यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही ब्रिक रखी हुई है, लेकिन क्या हुआ, मैंने यहाँ पर एक वॉल का जो नीचे से बॉटम है वो बना हुआ है, लेकिन उसके ऊपर ब्रिक स्थित ऐसी रखी हुई हैं, सिर्फ अभी वो उनको अच्छे तरीके से मसाला लगा कर तैयार नहीं किया गया, मतलब चिनाई नहीं की है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया है। रेफरेंस पॉइंट जो मान रखा है, मैंने यहाँ पर कुछ हाइट दी है, मैं इसको मेज़र कर लेता हूँ इंच टेप से। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि मैंने एक मार्क लगाया हुआ है, और हमेशा मार्क, जब भी कभी आप लेवलिंग करेंगे तो आप किसी भी चीज़ से मार्क लगाते हैं, ईंट से लगाते हैं, चौक से लगाते हैं, या किसी भी मार्कर से लगाते हैं, तो आपको कभी भी मार्क लगाना है तो इसी तरीके से लगाएंगे। आपको ऐसे नहीं है कि आप सीधे सीधे मार्क इस तरीके से लगा देंगे, ये एक गलत तरीका होता है, सीधे ही है, क्योंकि इस मार्क में क्या होता है, हमारी लाइन कभी ऐसे भी चली जाती है, कभी इस तरीके से चले, तो हम क्या करते हैं, सीधे सीधे मार्क जब भी लगाते हैं, एक लाइन इस तरीके से लगाते हैं और एक मार्क नीचे की तरफ लगाते हैं, एक मार्क ऊपर की तरफ लगाते हैं। इससे क्या होगा, हम जो इसका सेंटर ले लेते हैं और इसमें मार्क में हमें प्रॉब्लम नहीं होती है कि हमारा लेवल जो है हमारा ऊपर की साइड में है या नीचे की तरफ में है। तो हम इसको सेंटर में लेकर के, मैंने इसको क्या लिया है, कितने हाइट पर लिया है, मैं इसको रेफरेंस चेक करके बता देता हूँ आपको। ये लगभग मैंने लिया है 1 फिट का मार्क लिया है रेफरेंस लेवल, और हमें ये चेक करना होगा कि ये 1 फिट के रेफरेंस लेवल में ही जो फर्श का हमने दूसरा पॉइंट बनाया था वो कितना ऊँचा है और कितना नीचा है। तो हम फर्श के लेवल को चेक करते हुए हम क्या करते हैं, लेवल पाइप जो हमने पानी भरा हुआ है उसका लेवल चेक, लेवल हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले लेवल पाइप ये मेरे पास है, मैं एक सिरा इस, पहले मैं ये चेक कर लेता हूँ इसमें बबल्स तो नहीं क्रिएट हो गए, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि बबल्स को कैसे निकालना है, और ये चेक कैसे करना है कि हमारा जो पाइप है वो विदाउट बबल है या नहीं है, बबल फ्री है या नहीं।
तो हमने ये देख लिया कि हमारा जो पाइप है वो बबल फ्री है इसमें, क्योंकि जो पाइप के दोनों लेवल हैं वो इक्वल हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये आप निशान देख रहे होंगे पानी के दोनों लेवल एक ही जगह पे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें एक सिरे को इस निशान के ऊपर लगा लेता हूँ जिससे, और दूसरा सिरा जो है मैं उस जिस रेफरेंस लेवल्स को मैं मुझे चेक करना है कि वो अप है या डाउन है, मैं उस सिरे पर लगाऊंगा। तो दोस्तों अब एक पॉइंट मैंने ये यहाँ पर लगा लिया है, इसको मैं क्या करूँगा, जैसे ही मैं इस लेवल को यहाँ पे ऐसे करके टच कराता रहूँगा, जब मेरा ये पानी जो है एक जगह स्टेबल हो जाएगा तो मुझे उसी तरीके से दूसरे रेफरेंस पॉइंट पर चेक करना होगा कि वहाँ पर कितनी हाइट है या कितना अप है कितना डाउन है। तो उससे मुझे पता चलेगा कि मेरा फर्श जो है वो कितना अप था या कितना डाउन है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे जो मैंने रेफरेंस पॉइंट लिया था 1 फिट का, वहाँ पे मैंने पानी जो है लेवल पाइप का उसको स्टेबल कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, दूसरा पॉइंट जहाँ पर मुझे चेक करना है उस पॉइंट पर देखता हूँ कि जो मेरा लेवल पाइप का निशान है वो कहाँ पर आ रहा है। तो ये देखिए अब हम देखते हैं कि जो मेरा निशान आ रहा है वो कुछ इस तरीके पर जगह पर आ रहा है। मैं क्या करता हूँ, इसको मार्क कर लेता हूँ। अब मार्क करने के बाद फिर इसको क्या करेंगे, हम इंच टेप से मेज़र करके देखेंगे कि यहाँ पर कितना हाइट डाउन है या फिर अप में है। तो मुझे इससे क्या होगा, फर्श का लेवल मालूम चल जाएगा कि फर्श के यहाँ पर कैसा है। तो दोस्तों आपने देखा ये निशान, मैंने लेवल को एक जगह स्टेबल करके निशान लगा लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इंच टेप की सहायता से चेक करके देखता हूँ कि यहाँ के कंपेयर में वहाँ जो मेरा फिक्स पॉइंट था रेफरेंस लेवल वो कितना है, वहाँ पे कितना हाइट है और यहाँ पे कितना हाइट है। देखिए यहाँ पे अब इसको मैंने मेज़र किया है तो ये आ रहा है कुछ हमारा, ये आ रहा है 1 फुट 1 इंच, यहाँ पर आ रहा है हमारा 1 फुट 1 इंच और वहाँ पर हमने कितना लिया था, वहाँ पर लिया था हमने 1 फुट। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये लेवल जो है कितना है, हमें इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पर जो है फर्श लेवल जो है हमारा 1 इंच जो है गहरा है और वहाँ पर जो है उसके कंपेयर में, उस लेवल पॉइंट के कंपेयर में ये पॉइंट, ये जो हमने एक अलग से पॉइंट बनाया था फर्श का, कि हमें इससे पता चल गया कि यहाँ पर जो फर्श लेवल है वो 1 इंच जो है डाउन में है। इसमें अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर मसाला फिल करके इसके लेवल को इक्वल करना होगा और जिससे कि हम आगे जब भी हम यहाँ पर कभी ब्रिक वर्क करेंगे तो क्या होगा, जो ब्रिक होगी, ब्रिक मशीनरी होगी वो एक ही लेवल पर स्टार्ट होगी। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो कि मैंने पहले 1 फिट का निशान लिया था और वहाँ पर 1 फुट 1 इंच है, तो हमें इससे पता चल गया है कि हमारा जो ये रेफरेंस पॉइंट है ये 1 फुट पूरा पूरा है और वहाँ पर जो है 1 फुट 1 इंच है। तो हमें ये कंफर्म हो गया है अब कि 1 इंच का जो डिफरेंस है यहाँ पर फर्श के बीच में, यानी कि इस सिरे के बीच में और फर्श के दूसरे सिरे के बीच में 1 इंच का डिफरेंस। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, फर्श के दूसरे सिरे पर भी चेक कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर हमारी कितना डिफरेंस आ रहा है, और अगर हमें इसके ऊपर ब्रिक वर्क नहीं करना है, फर्श करना है नॉर्मल ऐसे ही छोड़ना है, तो वहाँ पर भी हमें इतना मसाला डालने की ज़रूरत होगी। इसे मसाला डालने की ज़रूरत इसलिए होगी कि दोस्तों, क्योंकि अगर कभी बरसात होती है तो यहाँ पर पानी भर जाएगा, पानी भरेगा तो ज़्यादा टाइम तक पानी रुका रहेगा और आपकी छत में जो सीलन होने का कारण हो सकता है। इसलिए दोस्तों हमें मसाले की फिलिंग कर देनी चाहिए यहाँ पर, और जिससे क्या होगा कि आपके लिंटर में या स्लैब में कभी भी सीलन की प्रॉब्लम नहीं आएंगी। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कीजिए, लिखिए कि अगर कोई आपको और नई नई वीडियो के बारे में आपको नई वीडियो के बारे में बताना है कि आपको किस पर वीडियो चाहिए, तो मैं उनके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू दोस्तों, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।